दोस्तों, डहेलिया डहेलिया बड़े आकार का अनेकों रंगों में पाया जाने वाला बहुत ही सुंदर फूल है। रंग बिरंग फूलों के कारण डहेलिया के पौधे बागों की शोभा बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं और हम भी आज इस वीडियो में अपने गार्डन की शोभा बढ़ाने के लिए ही डहेलिया के सीड्स को आसानी से लगाना सीखेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राहुल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल मेरा बागीचा में। दोस्तों, डहेलिया के सीड्स को लगाने के लिए मैंने जो है नॉर्मल गार्डन की सॉइल लिया है, इसमें बस थोड़ा सा मैंने कंपोस्ट ऐड किया है। आप भी थोड़ा सा कंपोस्ट ऐड कर लीजिएगा ताकि बीज को जर्मिनेट होने में काफ़ी सहायता मिले। दोस्तों, ये पैकेट है जिस पर MRP 50 रुपये लिखा है और लगभग 50 सीड्स हैं इसमें। मुझे ये 30 रुपये का मिला है। मैं सारी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये जो सीड्स हैं जिस पे डहेलिया मिक्स लिखा हुआ है, इस तरफ से हम कैंची से काट लेंगे। मैंने इसको डहेलिया मिक्स लिखा हुआ इसलिए काटा है ताकि इसका यूज मैं टैग के रूप में कर सकूं। ये देखिए, गमले में मैं इसको लगा दूंगा तो ताकि पहचान हो सके कि मैंने इस पॉट में कौन से सीड्स को लगाया है। सीड्स को निकाल लेते हैं। ये कुछ डहेलिया के सीड्स इस प्रकार के होते हैं, ये देख लीजिए। दोस्तों, अब क्या करते हैं हम कि सीड्स को लेकर के स्प्रिंकल कर देंगे जो हमने मिट्टी का बेड तैयार किया हुआ है। आप चाहे तो पॉट में लगा सकते हैं, अपने गार्डन एरिया में लगा सकते हैं। मैं अपने इस मिट्टी के पॉट में लगा रहा हूँ। आप सीड्स को लेकर के अच्छे से स्प्रिंकल कर दीजिएगा। थोड़ी सी डिस्टेंस पर जो है कि सीड्स को स्प्रिंकल कीजिएगा ताकि सीड्स जो है कि पास पास ना रहें और जर्मिनेट होने में काफ़ी सहायता मिले। उसके बाद क्या करते हैं कि भुरभुरी मिट्टी से एक परत, एक लेयर जो है सीड्स के ऊपर लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि सीड्स जो अच्छे से ढक जाते हैं और उनको जो है जर्मिनेट होने में सहायता मिलती है। दोस्तों, इस प्रकार से आप मिट्टी का बेड ऊपर से ढक दीजिएगा। ज़्यादा मोटी मिट्टी की परत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सीड्स जो है कि ज़्यादा नीचे दब जाएंगे और जर्मिनेट होने में काफ़ी समस्या होने लगेगी। सीड्स को इस प्रकार से लगाने के बाद अब हमें जो है स्प्रे के माध्यम से इसमें वाटरिंग कर देना है। स्प्रे के माध्यम से हमें वाटरिंग इसलिए करना चाहिए ताकि सीड्स जो है अपनी जगह से हिले नहीं, वो जो है कि हल्के हल्के फवारे के साथ पूरी मिट्टी गीली हो जाए। और वाटरिंग इतने ज़्यादा करनी है कि पूरी की पूरी मिट्टी जो है गीली हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छे से वाटरिंग करने के बाद इसको ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर सुबह की 2 से 4 घंटे की धूप आती हो। फिर उसके बाद दोस्तों, मिलते हैं इसके रिजल्ट के साथ कि इसका रिजल्ट कितने दिनों में आता है और कैसा आता है, तो रिजल्ट देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके रिजल्ट के साथ। दोस्तों, सीड्स को लगाए हुए लगभग 15 दिन हो चुके हैं और ये 15 दिनों के बाद का रिजल्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ। 15 दिनों के बाद ये जो डहेलिया का सीड्स है कुछ इस प्रकार से जर्मिनेट हो गया है। 50 सीड्स लगभग लगाए थे हम लोगों ने, लेकिन उतने सीड्स इसमें जर्मिनेट हुए नहीं हैं। कुछ सीड्स ख़राब हो गए हैं और कुछ सीड्स अच्छे से इसमें लग चुके हैं। ये देखिए, ये जो है 15 दिनों का अपडेट है। मैं अगली वीडियो में फिर जो है कुछ दिनों का अपडेट मैं दूंगा। दोस्तों, ये लगभग 20 से 22 दिनों का रिजल्ट है। ये देखिए, ये डहेलिया का सीड्स कुछ इस प्रकार से इतना बड़ा बड़ा हो गया है। और ये जो मैंने टैग लगाया था, ये आधा गल चुका है पानी में रहने की वजह। दोस्तों, अब ये जो सीड्स हैं ये जो है कि जर्मिनेट हो गए अच्छे से और इसमें जब 4-5 पत्तियां निकल गई हैं तो ये लगाने योग्य हो गए हैं। देखिए, इसमें रूट्स काफ़ी अच्छे से जर्मिनेट हो गई हैं, इनकी रूट्स काफ़ी अच्छी आ गई हैं और धीरे धीरे ये प्लांट बनने के कगार पे है। इस समय जो है कि इसको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर कहीं भी लगाना चाहते हैं इसको, तो आसानी से इसको निकाल करके लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों, वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो।